हे गाइस, मैं सुमित आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सुमित राजपाल अपडेट्स पर। आज हम पीडीएस के ऊपर ही बात करने वाले हैं क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रही हैं एंड कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि जो पीडीएस में प्रॉब्लम्स हो रही है ये क्या हो रही है, कब तक सॉर्ट आउट होगा, क्या है, कैसे है, क्यों है, कब हुआ। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ एंड मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी बातें बताने वाला हूँ कि अब कुछ बंदों को ऐसा भी लग सकता है कि मैं उन्हें नेगेटिव वे में लेके जा रहा हूँ या मैं उन्हें डरा रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, बस जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज है वो मैं आज इस वीडियो में रखने वाला हूँ कि यहाँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने, जैसे कि आपको पता होगा, पीडीएस पे अभी काम नहीं चल रहा है, सो मैंने कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन किया, तो वहां के मैंने लोगों के थॉट्स पढ़े, लोगों के बारे में जाना कि लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं पीडीएस के बारे में। सो सब कुछ मैंने पहले, अभी मैं बनाने वीडियो पहले भी बना सकता था बट मैं पहले लोगों के व्यूज लेना चाहता कि लोग क्या सोचते हैं पीडीएस के बारे में, कि पीडीएस क्या है क्या नहीं है। सो आज इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ एंड अगर आपसे पहले बोल देता हूँ कि हाँ आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपको मेरी ये जो उनसे वीडियो बना रहा हूँ मैं आगे जो थोड़े पॉइंट्स बताने वाला हूँ अगर आपको गलत लगे तो उसके लिए मुझे माफ करना एंड अगर अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो की तरफ आते, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पीडीएस में प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये क्या हो रही हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ मेरी जो पीडीए जो इनके प्लेट की जो सब कुछ प्लेट संभालती है मेरी, उनसे भी बात हुई थी। सो उन्होंने मुझे बताया था कि हम जो भी इनका एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम होता है कि हाँ इन्होंने जो से भी इनके रूल्स रेगुलेशन होंगे इन्होंने प्लेट के साथ अपना डिस्कस किया होगा। जैसे कि आपको पता होगा अभी प्लेट पे जो इनका प्लेट वाले कहते हैं कि हम कुछ इन्हें क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, लाइक जैसे कि हमने देखा था कि हाँ हम हाई रेजोल्यूशन में नहीं देख पा रहे थे या कुछ भी ऐसा सिस्टम या एड्स का सिस्टम था कि हाँ जैसे आपको पता होगा डे बाय डे सीपीएम कम आता जा रहा था। हमें सीपीएम किसके थ्रू मिलता था, हमें थर्ड पार्टी एप्स जो उनको एड्स प्रोवाइड करवाती थी हमें उनके थ्रू हमें यहाँ पे सीपीएम मिलता था। अगर पीडीएस को प्लेट से ही मतलब कि अच्छा रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो हमें क्या देगी, तो हमें वो बिल्कुल छोटा सा ही सीपीएम देगी। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या सोचा कि जैसे कि अब वो भी हमारे एडमिन्स के बारे में सोचते हैं तो उन्होंने सोचा कि प्लेट से टाइप हटा के वो एमएक्स प्लेयर एंड केएम प्लेयर पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि जो एक एमएक्स प्लेयर है उसको जैसे प्लेट था, प्लेट को अभी जैसा कि अभी प्लेट है प्लेट को नीड थी अभी ग्रो करने की, बट जो एमएक्स प्लेयर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो है। अगर आप प्ले स्टोर पे चेक करोगे तो उसके 1 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। सो उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई भी पार्टी कोई भी मतलब कि आगे एड कुछ भी उनको मतलब उसको फेमस होने की जरूरत नहीं है। एमएक्स प्लेयर ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है वीडियो प्लेयर के लिए एंड अगर आप एमएक्स प्लेयर यूज करते हो तो आपको पता होगा एमएक्स प्लेयर है जो बहुत ज्यादा एड प्रोवाइड करवाता है। अगर आप यूज करते हो तो आपको पता ही होगा जब भी आप कुछ ऑनलाइन स्ट्रीम करते हो कुछ भी वो बहुत ज्यादा एड प्रोवाइड करवाता है। चाहे हम ये भी कह सकते हैं प्लेट के पास एड्स नहीं थी इसीलिए उन्होंने अपना सारा डेटा अपना एमएक्स प्लेयर एंड केएम प्लेयर पे ट्रांसफर किया। अब लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि जो लिंक्स कॉपी नहीं हो रहे हैं या कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके पीडीएस वाले उन्होंने अपने चैनल पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी कि 9 तारीख को 3 बजे के बाद किसी भी तरह की आप कॉपी लिंक नहीं कर सकते हो, आप किसी भी तरह से वीडियो पेस्ट नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ 2 काम कर सकते हो, आप विड्रॉल लगा सकते हो, बस दैट्स इट, आप विड्रॉल लगा सकते हो, आप या आपने जो सा भी आपको विड्रॉ करना विड्रॉ कर सकते हो या विड्रॉल लगाना तो विड्रॉल लगा सकते हो, सिर्फ आप 2 काम कर सकते हो। एंड बात रही पेमेंट्स की, पेमेंट्स भी आ रही हैं, लोगों के मन में डाउट्स है कि आप पेडिस भाग तो नहीं गया ये वो प्लांट इनका, सो पेमेंट्स आ रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि इसे कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर मान के चलो आपके फोन में 1 GB डेटा है, आपने एक फोन से दूसरे फोन में अपना 1 GB डेटा को ट्रांसफर करना है, चाहे आप उसे शेयरिट से कीजिए, चाहे आप ब्लूटूथ से कीजिए, आप किसी तरह मर्जी कीजिए, तो आपको पता होगा कि 1 GB डेटा को जाने में भी कम से कम 5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो आप ये सोचिए ना कि जो पीडीएस का है, पीडीएस का अपना कई ट्रिलियन डेटा, ये भी नहीं कि उनका 1-2 GB तो पर बंदा उनके जो उसका सर्वर था उस पर रख के बैठा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो भी होस्टिंग थी होस्टिंग को फ्री प्रोवाइड करवाई हुई है आपको। सो उन्होंने जो 1 ट्रिलियन से भी आई थिंक बहुत ज्यादा डेटा है जो कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इसमें टाइम लगता है, ये नहीं होता कि इन्होंने एक क्लिक किया और सारा सारा डेटा इधर से उधर चला गया। सो पेशेंस रखिए कि हाँ जहां तक मैं अभी आपको एकदम पर्सनली नहीं बता रहा, सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ,
हो सकता है कि अभी जैसे कि अभी इनका सैटरडे संडे ऑफ होता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जैसे इनका वर्किंग चल रहा है कि सैटरडे संडे ऑफ होगा, मे बी आपका मंडे तक आपको जो सा भी अपडेट मिल जाएगा। एंड जैसे इन्होंने किया एमएक्स प्लेयर से टाइप किए, एमएक्स प्लेयर एक एड्स का भरमार है, वहां पे एड्स की कमी नहीं है, अगर क्योंकि जो भी हमें रिवेन्यू मिलना है सब कुछ एड्स के थ्रू ही मिलना है। सो अगर हमारे जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उस पर एड्स प्ले होंगी तो छोटी सी बात है कि हमारे पास अच्छा रिवेन्यू जनरेट होगा, एंड वाला सीपीएम भी अच्छा होने के चांसेस है। सो प्लीज वेट कर लीजिए, जैसे कि उन्होंने बोला था कि आप वेट कीजिए, हम अच्छा अपडेट ही लेकर आएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है, क्या दिक्कतें नहीं हो रही है। एंड ये भी ये नहीं है कि पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं, 5 तारीख तक की इनकी सारी पेमेंट्स क्लियर है, मे बी आज भी इनकी पेमेंट्स आ सकती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिविटी मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, मैं अब भी आपको बता रहा हूं कि मेरा जो सा पर्पज है नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, सिर्फ मैं बात बता शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पर्सनली वो बात लगी है, मुझे शेयर करनी चाहिए। तो बात क्या है कि मैं भी एक किसी ग्रुप में ज्वाइन हुआ, मैं नाम नहीं बताना चाहता कि आप क्या ग्रुप था क्या ग्रुप नहीं था। सो मैं उस ग्रुप में ज्वाइन हुआ, वहां के जो लोग मैंने देखा कि वो ना टोटली एकदम पीडीएस पर डिपेंड है। तो क्या मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि भैया आप किसी भी चीज पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि पीडीएस एक ऐसा सर्वर है जो आपसे विदाउट इन्वेस्टमेंट आपसे एक चवन्नी भी नहीं ले रहा, स्टिल आपको पैसे दे रहा है। एंड जैसे आपको पता है उस पर सारा क्या काम चलता है, जो लोग बोलते हैं मूवीज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब वाकिफ है उस पर क्या काम चलता है एंड क्या काम नहीं चलता है। सो ये आपको पता है सब कुछ जो भी चलता है वो कितने टाइम तक की उसकी वैलिडेशन हो सकती है, आपको पता ही है ऑलरेडी इनके कितने जो इनके डोमेन है डोमेन बैन हो चुके हैं। बट बस आप मेरा एक कहने का मोटिव क्या है कि हम जैसे कि मैंने उस ग्रुप में भी जाके लोगों को समझाने का ट्राई किया कि हाँ भैया आप इस चीज पे डिपेंड मत रहिए। सो वहां के लोगों ने मुझे ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, इवन मेरे को जो उनका ग्रुप था वहां से मुझे किक आउट कर दिया। सो बस जो मेरा कहने का पर्पज ये है कि भैया आप एक ही चीज पे डिपेंड मत रहो, अगर आपको डिपेंड रहना तो आप YouTube पे भी आ सकते हो, YouTube की हाँ एक ट्रस्टेबल ब्रांड है कि हाँ वो नहीं जाने वाला कहीं भी। बट पीडीएस क्या है कि एक वो अभी लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है एंड उनके इतने डोमेन बैन हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ कि इनका जो पहले बैकएंड सिस्टम था जो उनका सब कुछ संभालते थे वो एक नेहा शर्मा नाम की कोई लड़की थी, बट वो भी कब की क्विट कर चुकी है। एंड जो इनकी नीति है आई एम कनेडिका उसका क्या रहता है कि हाँ वो कभी 1 वीक ऑफलाइन दिखाती है, कभी 1 मंथ ऑफलाइन दिखाती है। मैंने तो आज तक उसे जितने भी मैसेजेस किए हैं मुझे स्टिल उसका एक रिप्लाई नहीं मिला है। सो मुझे मेल करनी पड़ी एक बार, सो मेल पे वहां से मुझे एक आयुषी का कॉन्टेक्ट मिला, आयुषी से भी मेरी बात हुई, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा वो देख सकते हो। सो मैंने उनसे बात की मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ ये पेमेंट्स के जैसे पीछे लास्ट पेमेंट डिले हो गया था एंड ये वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है या आपका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मेरी सब मैंने उनको मैसेजेस किए। सो उनका मेरे पास एक ही मैसेज आया कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही हैं, वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। सो मैंने उनसे बोला कि हाँ अगर आपका कोई और कस्टमर केयर हो तो आप मुझे उसका यूजर नेम प्रोवाइड करवा दीजिए। सो उन्होंने बोला कि जो पीडीएस का कोई भी कस्टमर बैकएंड सपोर्ट नहीं है। सो अब आप भी कुछ समझदार बनिए, जिसका कोई बैकएंड सपोर्ट ही नहीं है तो वो कितने टाइम तक मतलब कि आपका रह सकता है। सो बस ये एक ऐसे है कि वो जब तक चल रहा है, जब जाएगा तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। सो बस मेरी बात का छोटा सा जो लोग गलत वे में ले रहे थे मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया डिपेंड मत होइए, क्योंकि अभी भी लोग ग्रुप में ये उम्मीद लगा के बैठे। मैं ये नहीं कहता कि चला गया आएगा पीडीएस, बहुत अभी तो बहुत अच्छे लेवल पे काम भी करेगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ किसी भी टाइम लोग जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो चीज भी चली जाती है, बट हम तो यहाँ पे एक जीरो इन्वेस्टमेंट पे खेल रहे हैं। सो लोग डिपेंड हो चुके हैं कि भैया बस डिपेंड मत होइए, कहीं ऐसा ना हो कि पीडीएस चला जाए फिर आपसे जैसे आप पीडीएस पे 30-35-40 हजार रुपए कमा रहे हो उसके बाद आपको इतने की जो सी आपकी जॉब है जॉब नहीं मिलेगी। सो आप जॉब भी नहीं कर पाओगे, एडिक्ट मत बनो किसी चीज के भैया, बस मैं यही कहना चाहता हूँ एडिक्ट और डिपेंड मत होइए। बस उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो जाने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अगर किसी को भी हमारी बात नेगेटिव लगी हो तो भी आपके लिए भी एक डिसलाइक का बटन बनाया हुआ है यूट्यूब वालों ने, आप चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको कुछ भी गलत ओपिनियन नहीं बताया, आपको एकदम सही बताया कि बट लोग ये सोचते हैं कि हमारा घर इससे ही चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, ऐसा भी लाइफ टाइम कुछ भी नहीं होने वाला है। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्योंकि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उनके जितने भी कस्टमर बैकिंग सपोर्ट होते हैं सबसे बात करने का ट्राई करता हूँ, सारा कंफ्यूजन निकाल के मैं एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि भैया इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं औरों की तरह नहीं कि आप कुछ भी आपको बताता, मैं जो भी आपको बात बताऊंगा एकदम जेन्युइन बात बताऊंगा कि हाँ ये ऐसे होना है, ऐसे होना है, ये सब कुछ ऐसे होना है। मैं बिना रिसर्च के कभी कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। सो बस उम्मीद करता हूँ एंड आपको जो सी मैंने इतना कुछ बता दिया आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे लाइक कीजिए, साइड में नोटिफिकेशन बेल बटन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।